हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर 3 है उसके बुक के क्वेश्चन हमारे चल रहे थे और बुक के क्वेश्चंस में हमने एमसीक्यू को पिछले वीडियो में क्लियर किया था और आज के इस वीडियो में हम इसके जो शॉर्ट टाइप हैं और ऐसे टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और कुछ उनसे बड़े हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, कैन यू कीप द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए जिंक कंटेनर। ये बी ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। बी ऐसे टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है ये, और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या तुम, कैन यू कीप द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए जिंक कंटेनर। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को क्या हम जिंक कंटेनर में रख सकते हैं? तो देखो, ये एक जिंक कंटेनर मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको तो कह देते हैं हम जिंक कंटेनर, और इसमें फिल कर देते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम जिंक कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं रख सकते। वी कैन नॉट कीप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक कंटेनर बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल व्हेन कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल एंड इफ यू कीप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक कंटेनर देन जिंक डिस्प्लेस कॉपर इन इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कॉपर सल्फेट ना रह पाएगा और ये क्या फॉर्म कर सकता है, जिंक सल्फेट फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा नो, वी कैन नॉट कीप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक कंटेनर। इसका रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका रीजन भी आ गया और इसका आंसर भी आ गया, नहीं रख सकते। अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेम एनी थ्री सब्सटेंस विच कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन इन फेवरेबल कंडीशन। तो देखो, आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की एक टेबल हमारी बुक में दे रखी है और उस बुक के अकॉर्डिंग हमको ये बताना है कि आयरन का, आयरन को कौन से ऐसे तीन सब्सटेंस हैं जो फेवरेबल कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो कर सकते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, रिडक्टेंट बोल सकते हैं। ये क्या है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए तो क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, और खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है ना। तो उनको रिडक्टेंट बोलते हैं। तो अब आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बताना है कि फेरस का ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन सी मेटल एसेंशियल हो सकती हैं। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन है, आपको फेरस आयन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, इसको आपको तलाशना है, ठीक है ना। अब फेरस आयन अगर ऑक्सीडाइज होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, ये फेरिक आयन में। क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया ना फेरस का, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीडेशन हो गया तो अब आपको तलाशनी है क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल की जो टेबल है
या रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं या रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, रिडक्शन, और शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं हम SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है ना। तो देखो टेबल के अंदर आप जब नीचे जाते हो तो देखो आयरन के नीचे आता है कैडमियम, आयरन के नीचे आने वाले जो एलिमेंट वो है कैडमियम, निकेल, टिन, निकेल, टिन, और इसके अलावा आता है लेड और कॉपर। ये नीचे की तरफ जा रहे हैं आप, तो टेबल में जैसे जैसे तुम नीचे जाएंगे, टेबल में जैसे जैसे तुम नीचे जाएंगे तो इसका जो SRP है वो इंक्रीज होता है, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पोटेंशियल इसका इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम टेबल में नीचे जाते हैं। और जब टेबल में नीचे जाते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर इसका इंक्रीज होता है तो साथ में इंक्रीज होती है इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज। साथ में कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अब जब ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है तो बताओ इसका रिडक्शन कौन कर सकता है, जो आयरन से नीचे आने वाले, आयरन से नीचे आने वाले जो एलिमेंट है वो इसका क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। भाई ऊपर को जाने पर तो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज बढ़ती है, नीचे जाने के ऊपर जाने पर कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, रिडक्शन प्रॉपर्टी बढ़ेगी। और आपको क्या करना है भाई, रिडक्टेंट ही तो ढूंढना है जो इसका क्या कर सकता हो, ऑक्सीडेशन कर सकता हो। तो आपके आंसर में हो जाएंगे भाई साहब, इनमें से कोई भी मेटल लिख दो, देखो कैडमियम लिख सकते हो, निकिल लिख सकते हो, टिन लिख सकते हो, कॉपर लिख सकते हो, PB लिख सकते हो, कोई भी तीन मेटल आप लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन भाई कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज क्यों हो जाती है भाई, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन, ये बताना है आपको ये डिक्रीज क्यों होती है। तो देखो जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, जैसे मान लें हम 1 mL सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, 1 mL सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करते हैं तो उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनकी आयंस की जो नंबर होती है वो डिक्रीज होती है, आयंस की नंबर डिक्रीज होती है। जब आयंस की नंबर डिक्रीज हो जाती है तो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होगी ही, समझ आ रही है बात। तो कैसे लिख सकते हैं, When any solution is diluted, जब किसी solution को क्या किया जाता है, diluted किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, then नंबर ऑफ आयंस विल बी डिक्रीजेस इन 1 mL सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस विल बी डिक्रीजेस इन 1 mL सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स कंडक्टिविटी, आयंस की संख्या डिक्रीज हो गई तो कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीजेस, तो ये भी घट जाएगी। क्लियर है ना। तो आपने क्वेश्चन 3 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फटाफट से नोट करो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4th नंबर, लिस्ट दोज मेटल विच आर एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो है क्वेश्चन कह रहा है मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा किन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है ये हमको बताना है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा किन मेटल्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड किया जा सकता है। तो देखो जो टेबल है एसआरपी की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एक टेबल है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिनका अधिक होता है आपकी बुक के अंदर, एक टेबल है किसकी, एसआरपी की, एसआरपी बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो टेबल है इस टेबल के अंदर जब हम नीचे जाते हैं, टेबल के अंदर हम जब नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर जिनका एसआरपी इंक्रीज होता है, नीचे जाने पर इनका एसआरपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एसआरपी जिनका ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिनका ज़्यादा होगा उनका एक्सट्रैक्टर आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा कर सकते हो। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं दोज मेटल विच हैज मोर एसआरपी, दोज मेटल विच हैज मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। और इनके एग्जांपल आप लिख सकते हो, इनके एग्जांपल लिख सकते हो क्या, कॉपर है, एचजी है, प्लेटिनम है। देखो एग्जांपल यहीं लिख देता हूँ, लाइक कॉपर, एचजी, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है ना। इन सब का कैसे, किसके द्वारा कर सकते हो आप इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सट्रैक्टेड कर सकते हैं इन मेटल्स को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है भैया नेम टू अदर सब्सटेंस एक्सेप्ट हाइड्रोजन यूज्ड इन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के अंदर जो हाइड्रोजन के अतिरिक्त और दो सब्सटेंस काम में आते हैं, तो फ्यूल सेल के अंदर किस किस सब्सटेंस का यूज़ करते हो आप। देखो एक तो हाइड्रोजन है और क्वेश्चन पूछ रहा है हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन है बताओ, मैथेन है एक तो, और दूसरा है मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, कुछ भी कह सकते हो। इन तीन सब्सटेंस को हम फ्यूल सेल के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ विच दे सब्स्टिट्यूट ईच अदर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ दियर साल्ट। यानी कि आपको कुछ मेटल्स दे रखी हैं और इन मेटल्स को आपको अरेंज करना है, मेटल्स को अरेंज करना है। देखो सिक्स नंबर दे रखा है, अरेंज फॉलोइंग मेटल्स, अरेंज फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे सब्स्टिट्यूट ईच अदर फ्रॉम साल्ट फ्रॉम सॉल्यूशन। यानी कि इन मेटल्स को इस तरह से अरेंज करना है कि ये एक दूसरे को उसके साल्ट सॉल्यूशन से सब्स्टिट्यूट करती चली जाएं, समझ में आ रही है। यानी कि रिएक्टिविटी के ऑर्डर में आपको लिखना है। और देखो मेटल्स आपको दे रखी हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, एफी, ये क्वेश्चन में दे रखी हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, एफी, मैग्नीशियम और जिंक, एंड जिंक, इनको अरेंज करना है आपको। अब इनमें आपको ये देखना है कि कौन सी मेटल तो ऐसी है जो मोर रिएक्टिव है और अदर मेटल्स को सब्स्टिट्यूट करती चली जाए। तो
पहले सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लेनी है, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव, फिर कम रिएक्टिव, फिर लास्ट में सबसे कम रिएक्टिव मेटल आपको लेनी है। तो आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डन नोट कर सकते हो, और रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डन आपके लिए जो मोर रिएक्टिव मेटल है, देखो इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल तो यहाँ पर कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, इसके बाद कौन है रिएक्टिव, एल्यूमिनियम, और इसके बाद कौन है, जिंक, फिर कॉपर, फिर आयरन, सॉरी आयरन पहले आएगा, कॉपर बाद में आएगा, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, मैग्नीशियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है इन मेटल्स की, ये जो मेटल है इन सबको डिस्प्लेस कर सकते हैं इनके साल्ट सॉल्यूशन से। एल्युमिनियम जो है वो मैग्नीशियम को नहीं कर सकती, लेकिन इन तीनों को कर सकती है। जिंक इनको नहीं कर सकती, लेकिन पीछे वाली को कर सकती है। आयरन केवल कॉपर को कर सकता है, इनको नहीं कर सकता, और कॉपर इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Mg इज मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना, और कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव। ज़्यादा तुमने ध्यान दे, आपको इस ऑर्डर में ध्यान रहे कि हमने इस ऑर्डर को किस तरह से लिखा है, रिएक्टिविटी के क्रम में लिखा है। इसमें मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट वी ऐसे टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं ये, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं बेटा ऐसे टाइप क्वेश्चंस को, तो आप इनको नोट कीजिए। ऐसे टाइप क्वेश्चन देखते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन है ऐसे टाइप में, पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम Mg+2, यानी कि आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम, और सिस्टम दे रखा है आपको Mg आयन और Mg, इसका आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अब इस इलेक्ट्रोड का आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो बताओ किसी भी आप इसका कैसे निकालोगे। देखो ध्यान करो, किसी भी इलेक्ट्रोड का अकेले का पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर सकते, और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के लिए आप किसी ऐसे इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी नॉन है, और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ध्यान आ रहा है, और ऐसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं किसको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। समझ आ रही है बात, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल यूज़ करते कि नहीं करते हैं, तो SHE को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसका अगर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे, और उसका यूज़ करके हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, अकेले का नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो देखो कैसे नोट करेंगे इसका आंसर हम, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आंसर लिख रहा हूं मैं, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे बताओ।
दिस इलेक्ट्रोड कनेक्ट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसके साथ कनेक्ट कर दिया इसको हमने? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्या करना है आपको? इसका पोटेंशियल निकालना है ना। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला ध्यान है ना, ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। यही तो इसी तरह से तो निकालते हैं हम। तो देखो, आपके पास एक इलेक्ट्रोड तो ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या हो गया? एस एच ई हो गया। दोनों इलेक्ट्रोड आ गए तो अब सेल बन गया आपके पास कंप्लीट। सेल फॉर्म हो चुका है ना। अब इस सेल का ईएमएफ निकाल लो पहले। तो जो सेल फॉर्म हुआ है उस सेल का क्या निकाल दें? ईएमएफ। चलो यहां लिख देता हूं मैं, एंड ए सेल इज फॉर्म्ड। एक सेल बना दिया आपने, ठीक है ना। अब आप मीचर कर लो क्या ईएमएफ ऑफ सेल इज डिटरमाइंड बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से तो आप क्या कर लोगे? सेल का ईएमएफ निकाल लोगे। क्लियर है ना। सेल का ईएमएफ आ गया पोटेंशियोमीटर की सहायता से। अब यहां पर देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये किसका काम कर रहा है बताओ? यहां पर क्या हो रहा है? अरे इसको देख के बात करो। यहां पर ये आयंस फॉर्म हो रहे हैं और आयंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं और मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और ये वाली प्रोसेस किस इलेक्ट्रोड पे होती है? कैथोड पे होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह। इज एक्स एच कैथोड एंड एस एच ई। एस एच ई कौन है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक्स एच एनोड। समझ आ रही है बात? ये जो इलेक्ट्रोड दे रखा है ये तो किसका काम करेगा? कैथोड का। और एस एच ई किसका काम कर जाएगा? एनोड का। अब आप क्या करोगे? अब आप फॉर्मूला लगा दो। हैंस ई सेल, यही फॉर्मूला है ना। ई नॉट सेल लगा दो, चाहे ई सेल लगा दो। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर है ना। अब देखो, सेल का ईएमएफ आप ऑलरेडी निकाल चुके हो पोटेंशियोमीटर से। समझ आ रही बात? ई नॉट एनोड यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ई नॉट एनोड, इसका पोटेंशियल निकालना है। अब ई नॉट एनोड जो होता है, ये ऐसा इलेक्ट्रोड आपने यूज किया था जिसका पोटेंशियल आपको ऑलरेडी नॉन है। और हमको पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है? जीरो। बताया था ना आपको चैप्टर में कैसा होता है? जीरो। तो क्या हो जाएगा बताओ? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ये तो जीरो हो ही गया। अब इस रिलेशन को देखकर हम क्या कह सकते हैं भाई? इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल हो गया? सेल के ईएमएफ के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? भाई सेल का ईएमएफ आपके पास जितना भी आया है उस ईएमएफ के इक्वल हो गया क्या? कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? इट मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg+2 Mg।
इसी का तो निकालना था आपको, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल, सेल के ईएमएफ के इक्वल होता है। तो आप इस तरह से इसका आंसर नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू 10। ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको निकालना है जिसमें सॉल्यूशन का पीएच 10 दे रखा है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम आपको करा चुके हैं न्यूमेरिकल्स में चैप्टर के अंदर, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी बुक का, ऐसे टाइप में देखो, डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ ए सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक रिएक्शन हो रही है और उसका आपको निकालना है ईएमएफ। देखो रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को आप लोग बुक से नोट कर सकते हो, निकिल प्लस 2Ag प्लस, और इसकी कंसंट्रेशन दे रखे 0.02 m इक्वल टू निकिल आयन प्लस सिल्वर, और निकिल आयन की कंसंट्रेशन है 0.106 m, ठीक है ना। और यहाँ पर ए नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, ए नॉट सेल दे रखा है आपको 1.05 volt, ठीक है ना। और डिटरमाइन करना है आपको ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ याद करो आप इसमें, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया, ई सेल आपको निकालना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ध्यान करो, इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे भाई। रिएक्शन दे रखी है आपको, रिएक्शन में आपको पता लग रहा है ये कोई सेल है, और इस सेल में कौन कौन सी रिएक्शन हो रही हैं, निकिल तो निकिल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस निकिल का तो क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो रही है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो निकिल का तो इस सेल के अंदर क्या है, एनोड बना हुआ है, और सिल्वर का इस सेल के अंदर कैथोड बना हुआ है, क्लियर है ना। और आपको ईनोट सेल की वैल्यू दे रखी है और ईएमएफ आपको डिटरमाइन करना है। अब ईएमएफ डिटरमाइन करना है तो किस फॉर्मूले का यूज़ करें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले बताओ, नेंसर्ड इक्वेशन लगा दो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू नेंसर्ड इक्वेशन, नेंसर्ड इक्वेशन लगाओ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, फॉर्मूला तो ध्यान होगो, 0.0591/n log e कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यही फॉर्मूला है ना, यही तो था log 10। अब देखो इस रिएक्शन के लिए आप इसको यूज़ करो, E सेल इक्वल टू इसकी वैल्यू रखो E नॉट सेल की, E नॉट सेल की कितनी है, 1.05 - 0.0591/n, n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू को मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने मोल्स यहाँ पर हैं बताओ भाई, निकिल दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, और दो ये जो सिल्वर है ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब एक सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो दो सिल्वर आपने यूज किया यहाँ पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ, 2। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, दो इलेक्ट्रॉन आ रहे कि ना आ रहे, तो n की वैल्यू 2 लिखो,
लॉग 10। कंसंट्रेशन लिखो किसकी, प्रोडक्ट की, निकिल, और कंसंट्रेशन किसकी स्क्वायर में आ जाएगा ना, 2 डिवाइडेड बाई निकिल और सिल्वर आयन, इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है जो सॉलिड स्टेट में जो मेटल्स हैं उनके ऊपर तो इसकी रिएक्शन की कोई भी चीज़ डिपेंड करती नहीं है, तो इन दोनों को तो हटा देंगे, ये दोनों तो हट जाएंगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बचेगा, निकिल की कंसंट्रेशन, निकिल आयन की और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन। तो अब आपको डायरेक्ट नोट कर देनी है, देखो निकिल आयन की कंसंट्रेशन नोट कर दो और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन नोट कर दो, तो इक्वल टू 1.05 माइनस, इसको सॉल्व कर दें और या मैं 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, क्या आएगा इसमें, आएगा 0.20294, इसको जब डिवाइड करेंगे, समझ आ रही है ना बात, 4 नहीं आएगा, 10 हो जाएगा या 5 आएगा, लॉग 10। अब देखो निकिल की कंसंट्रेशन कितनी है, ये रही 0.160 डिवाइडेड बाई, सिल्वर की कितनी है, ये रही 0.002 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको सॉल्व करो, अब आप केवल ये वाले पोर्शन में सॉल्व कर रहे हैं, 0.160 डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया, 0.002 इंटू 0.002, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा ये, या इससे ये पॉइंट हटा दो भाई, ये भी 3 छोड़ के, ये भी 3 छोड़ के, तो कितना आएगा, 160 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10^-3, ये तो आएगा ये, अरे इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे चली जाएंगी, तो ऊपर जाए लाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी। अब क्या करते हैं, इससे इसको काट दो, 40 टाइम्स क्या बचा, 40 × 10^-3, या फिर इसको क्या ले सकते हो आप, 4 × 10^4, ये नीचे से माइनस के ऊपर जाएंगे तो यही तो वैल्यू आएगी। तो अब इसकी जगह पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना, तो 1.05 - 0.0295 log 10, और ये वैल्यू है 4 × 10^4, ठीक है। अब देखो इस log को आपको खोलना है, 1.05 - 0.0295 क्या हो जाएगा ये, इसको कैसे खोलेंगे, 4 log 10 क्या हो जाएगा ये, 4 log 10 भाई, एक तो 4 log 10 हो जाएगा, ठीक है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये तो log 4 हो जाएगा, चलो log 10 4 मल्टीप्लाई 4 log 10, ये आ गया, समझ आ रही है बात, चाहे यहाँ पे log 10 है हटाओ, तुम डायरेक्ट लिखोगे यहाँ क्या, log 4, ठीक है भाई, log 10 की वैल्यू 1 होए तो ये तो 4 ही रह जाएगा केवल। अब इस log 4 को सॉल्व करते हैं, देखो log 4 बराबर आप लिख सकते हो log 2 square, और इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 लिख सकते हैं, 2 log 2, और log 2 की वैल्यू क्या रहे, 0.3010, तो कितनी हो गई इसकी, log 4 की वैल्यू बताओ, 0.6020, तो log 4 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.6020 लिख सकता हूँ ना। तो देखो 1.05 - 0.095 मल्टीप्लाई log 4 की जगह पे क्या आएगा, 0.6020 इंटू 4, ये log 10 1 हो ही गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी प्लस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद देखो मैं यहाँ ले रहा हूँ अभी, यहाँ
ई सेल इक्वल टू चेक करो 1.5 माइनस 0.295 और इसको ऐड कर दो 4.60120, ठीक है ना, ऐड हो गया। अब इसका और इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें से इसको घटा दो। अब ज़्यादा बड़ा काम नहीं बचा है, अब ज़्यादा बड़ा काम नहीं बचा है इसका, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो 1.05 माइनस ये कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पर इसका आता है 0.135759, ये वाला आता है। इसमें से इसको घटा दो, इस सेल की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं हम, यहाँ पर वैल्यू आती है 9142, 0.9142 वोल्ट, ये आंसर आता है आपके लिए। तो ये वाली जो रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए सेल का जो ईएमएफ है, यहाँ लिख सकते हैं आप ईएमएफ ऑफ सेल इज 0.9142 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये ठीक है ना, नोट करो आप इसको। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, अगला क्वेश्चन है ए सेल रिएक्शन विच फॉलोइंग ए सेल इन विच रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ये ऐसे टाइप में, और इसमें रिएक्शन दे रखी है 2Fe3 प्लस 2i माइनस इक्वल टू 2Fe प्लस 2 प्लस 2i प्लस i2, और यहाँ पर दे रखा है आपको E0 सेल, ये गिवन है आपको, E0 सेल है 0.236 वोल्ट, और इसमें आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। देखो कैलकुलेट करना है आपको स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, ये कैलकुलेट करना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है KC, ये आपको डिटरमाइन करना है, ये दोनों डिटरमाइन करने हैं इस इक्वेशन में, ठीक है ना। तो देखो वी नो दैट डेल जी इक्वल टू क्या होता है माइनस NF ई सेल होता है कि नहीं होता है, ये वाला इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, और डेल जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट सेल, क्लियर आ रहा है ना समझ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डिटरमाइन करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स लिखाने हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n की वैल्यू चाहिए। तो बताओ यहाँ पर Fe3 प्लस है और यहाँ पर Fe2 प्लस बन रहा है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर रहा है बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन को, अरे आयरन या फेरिक आयन और फेरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है। अब यहाँ पर आप दो फेरस आयन यूज कर रहे हो तो दो फेरिक आयन यूज कर रहे हो तो दो फेरस आयन बन रहे, तो एक Fe एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो दो Fe दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। और यहाँ पर चेक कर लो आयोडीन यहाँ पर किस कंडीशन में I माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है रिलीज करेगा आयोडीन। अब एक आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो दो आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए दो, और फेराडे की वैल्यू आपको पता ही है 96,500 कूलाम, ई नोट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप लिख दो -2 × 96,500 × 0.236
मल्टीप्लाई कर दो सुमन ने। अरे सबका मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 1000 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 20 गई, 20 गई, तो आपके पास यहाँ क्या बचा, -2 इंटू 965 इंटू 23.6, ये 10 बच गया ना, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 10, 6 × 12 और 1 × 13, 9 × 18 और 1 × 19, 1930 मल्टीप्लाई 23.6, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ रहा है 45,548 जूल पर मोल, जूल पर मोल, डेल जी की, डेल जी नोट की वैल्यू आ गई, और इसको लिख सकते हैं हम 45.54 के किलो जूल पर मोल, एक आंसर तो ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, केसी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, केसी की वैल्यू। तो देखो केसी की वैल्यू के लिए मैंने आपको लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था, और लास्ट में जो फॉर्मूला निकला था वो क्या था, लॉग केसी इक्वल टू निकला था क्या, माइनस एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, ये वाला फार्मूला निकाला था मैंने आपको, वहाँ ये भी कहा था कि न्यूमेरिकल्स में काम आता है ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स आप वैल्यूस रख दीजिए सब, माइनस 2 इंटू ई नॉट सेल क्या है 0.236 डिवाइडेड बाय 0.0591, और इनको सॉल्व कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, माइनस नहीं आएगा, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर इन सब को सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, और सब का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपको यहाँ पर वैल्यूज आती है लॉग केसी की 7.98 लॉग केसी, ठीक है ना। तो केसी की वैल्यू क्या आ गई, 7.98, यही तो आ गई। अब आप केसी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, लॉग 10^7.98, ऐसे नोट कर सकते हैं ना। अब या को एंटी लॉग लिखना है तुमने, इसका क्या लिखना है, एंटी लॉग लिखना है। एंटी लॉग तो आपको टेबल से मिलेगा, लॉग टेबल जो होती है ना उसकी टेबल से आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप केसी की वैल्यू 10^7.898 ये नोट कर सकते हो। अब इसका एंटी लॉग चाहिए, एंटी लॉग, और देखो इस वैल्यू का जो एंटी लॉग होता है वो आपको लॉग टेबल से ही मिलेगा, अन्यथा आप इतना ही रहने दे सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक रुक जाने दो, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट आ गया, लॉग केसी का मान आ गया, और आपके पास डेल जी नोट का वैल्यू आ चुका है, ठीक है ना। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव ए मेथड टू डिटरमाइन, मेथड देना है आपको किसको डिटरमाइन करने के लिए, लैम्डा नॉट एम ऑफ वाटर, ये क्या है लैम्डा एम किसकी, अरे लैम्डा एम जो है वो किसका सिंबल है, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, आपको वाटर की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर, ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इन्फिनिटी
ऑफ डाइल्यूशन पर, किसकी निकालनी है? वाटर की। अब वाटर की जो ये मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, इसके लिए आपको एक मेथड बताना है कि किस मेथड से हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो ध्यान करो, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर निकालने के लिए हमने कोलराउस लॉ का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था? कोलराउस लॉ का। और इस लॉ में ध्यान कीजिए, आपने तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज किया था। कितने इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं? तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है ना। और तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, उसमें से पहला इलेक्ट्रोलाइट तो ऐसा लेते हैं जिसमें सॉल्यूशन का क्या प्रेजेंट हो? कैटायन। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है जिसमें सॉल्यूशन का एनायन प्रेजेंट हो। और तीसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेते हैं जिसमें शेष दोनों जो सॉल्यूशन आपने लिए हैं उनके क्या प्रेजेंट हो? उनके प्रेजेंट हो, दोनों के आयंस प्रेजेंट हो। इस तरह के तीन सॉल्यूशन आप लोगों ने लिए थे, तो उनके हिसाब से आपको यहाँ पर यह निकालना है। इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है वाटर की। अब देखो वाटर क्या होता है, वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अब वाटर की आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो इसके लिए आपको कोलराउस के अकॉर्डन क्या लेने हैं? सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे चलो मैं नोट ही कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, ठीक है ना। तो तीन सॉल्यूशन ले रहे हैं, देखो हम कौन कौन से सॉल्यूशन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट ऑफ वाटर देयर आर थ्री स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड। तीन इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करते हैं हम? यूज करते हैं। और तीन इलेक्ट्रोलाइट लिख देता हूं मैं आपके लिए, देखो एक तो यूज कर रहे हैं हम यहां पर HCl को, एक यूज कर रहे हैं हम यहां पर NaOH को, और एक यूज कर रहे हैं वहां पर NaCl को, तो आर यूज, ठीक है ना। अब चेक कर ले तुम आराम से, आप वाटर को देखो, वाटर के अंदर जो आयंस होंगे वो किस तरह के होंगे? यही तो होंगे ना दोनों, कैटायन और एनायन। अब हमने जो पहला इलेक्ट्रोलाइट लिया है कौन सा? HCl। इस HCl के अंदर तो आपके इस इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए? कैटायन प्रेजेंट होना चाहिए, इसका कैटायन आ गया। दूसरे सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? एनायन प्रेजेंट होना चाहिए, इसके अंदर एनायन प्रेजेंट है। और तीसरे सॉल्यूशन में जो शेष बचे आयन है वो प्रेजेंट होने चाहिए। बताओ सबके अंदर है कि नहीं? वो ही शेष बचे आयन, देखो ये वाटर का कैटायन हो गया, ये वाटर का एनायन हो गया, ठीक है ना। और तीसरे सॉल्यूशन में ये शेष बचा था क्लोराइड और ये शेष बचा था Na, ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट हो गए, ठीक है ना। अब आराम से आप निकाल सकते हो ना मोलर कंडक्टिविटी। तो इसके लिए क्या करोगे आप? पहले और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को तो आप जोड़ दो और तीसरे वाली को उसमें से घटा दो, निकल जाएगी। यही तो किया था कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखो लैम्डा एम एच टू ओ आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर निकालनी है वाटर की, ठीक है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? लैम्डा एम नॉट एच सी एल प्लस लैम्डा एम नॉट एन ए ओ एच, पहले और दूसरे को तो जोड़ दो और तीसरे को इसमें से क्या कर दो? घटा दो,
समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब देखो लैम्डा एम, अब आप इस HCl का क्या करें, डिसोसिएशन करते हैं, डिसोसिएशन करते हैं तो क्या आएगा, लैम्डा एम हाइड्रोजन आयन प्लस लैम्डा एम क्लोराइड आयन प्लस लैम्डा एम सोडियम आयन प्लस लैम्डा एम OH आयन माइनस लैम्डा एम सोडियम आयन प्लस लैम्डा एम क्लोराइड आयन, ठीक है ना। ये घटेगा ना, यू माइनस को हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो स्टूडेंट्स, लैम्डा एम क्लोराइड, लैम्डा एम क्लोराइड प्लस माइनस के दोनों कट गए, ये सोडियम आयन से सोडियम आयन कट गया। अब बताओ क्या बचा, लैम्डा एम एच टू ओ इक्वल टू लैम्डा एम हाइड्रोजन आयन प्लस लैम्डा एम नॉट हाइड्रोक्सिल आयन, हो जाएगी डिटरमाइन। इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी वाटर की आप इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो ना, IGBA में हो जाएगी ना। तो ये आपका आंसर आ गया, इस इक्वेशन के थ्रू आप आराम से निकाल सकते हो। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के सॉल्यूशन लेते हैं। और सॉल्यूशन लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो सॉल्यूशन का कैटायन होना चाहिए, दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन का एनायन होना चाहिए, और तीसरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होना चाहिए कि जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट लिए गए ना उनके शेष बचे आयन उस तीसरे में प्रेजेंट होने चाहिए। तो फिर बातें पीछे क्या करेंगे, उसके बाद हम पहले और दूसरे को तो ऐड कर देंगे और तीसरे को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर किसी भी सॉल्यूशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बाकी सारे क्वेश्चंस तो आज नहीं हो सकते, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शेष बचे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर देंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है।